अब यहाँ पर मैं कोचिस के बारे में बात करना चाहूंगा। जैसा कि हमें पता है कि हॉवर्ड की डेथ यहाँ पर कहाँ पे हुई थी, जिमी मैकगिल और किम वेक्सल के घर पे। अब यहाँ पर हमें यह चीज भी पता है कि किम वेक्सल ब्रेकिंग बैड में हमें नहीं देखने को मिलती। जब यहाँ पर जिमी मैकगिल वॉल्टर व्हाइट के लिए काम करते तो वहां पर किम वेक्सल नहीं होती। तो ये वाला जो पॉइंट है ये काफी ज्यादा अच्छी पॉसिबिलिटीज निकाल देता है कि असल में हुआ होगा क्या। यहाँ पर मुझे ये लगता है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हॉवर्ड की डेथ इनके घर पे हुई है, तो यहाँ पर ये हो सकता है, हमें ये वाले एंगल देखने को मिल सकते हैं। मेरी अपनी अजम्पशन है कि यहाँ पर जिमी मैकगिल और किम वेक्सल को ये वाली चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी कि हॉवर्ड की यहाँ पर जो डेथ हुई है ये इसने यहाँ पर खुदकुशी की है, ना कि हमने इसको मारा, यहाँ के लालो सलामांका ने इसको मारा है। ये हमें यहाँ पर चीज़ देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ लीड करती है किम वेक्सल के फ्यूचर के ऊपर, जिमी का फ्यूचर नहीं, क्योंकि जिमी का फ्यूचर तो हमें पता है वो ब्रेकिंग बैड में हमें देखने को मिलना था। यहाँ पर किम वेक्सल का फ्यूचर हमें यहाँ पर लीड करती है। और अगर किम वेक्सल ये प्रूव ना कर पाई, यहाँ पर किम वेक्सल पे चार्जेस लग गए कि यहाँ पर हॉवर्ड को इसने मारा है, इसकी वजह से हॉवर्ड की डेथ हुई है, तो हो सकता है किम वेक्सल यहाँ पर जेल में जाए। यस, यहाँ पर इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पॉसिबिलिटी है कि ब्रेकिंग बैड के टाइम में, यानी कि जब ब्रेकिंग बैड हो रही होगी, किम वेक्सल उस टाइम जेल में होगी थ्रू आउट द सीजन। और वो जेल में क्यों होगी, वो इस वजह से होगी क्योंकि यहाँ पर उस पर चार्जेस होंगे तो कि हॉवर्ड को उसने यहाँ पर मारा है। हो सकता है ये एंगल हमें देखने को मिले, हो सकता है ना देखने को मिले, ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता लगेगा। आप लोग मुझे कमेंट में इस टाइम जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है किम वेक्सल का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो बस ये तस्वीर में आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, मेरा आपका वीडियो अच्छा होगा, लाइक नहीं करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।